you my snowboard. Oh my god, ye dekho. Shoma. Cover. Tight, tight. No, no. अरे भाई तो ये ओके ओके सी 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 ओ माय गॉड कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत दिख रहे हैं ना, कितने क्यूट क्यूट हैं. ओके मी वॉक वॉक बाय बाय हैप्पी न्यू ईयर. वेरी गुड वेरी गुड. ओ माय गॉड हाय निहा निहा हाउ आर यू हाउ आर यू. ओ गुड गुड गुड. हेलो हेलो हाउ आर यू. ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. गाइस ये नजारा आप देखिए इस वक्त. गाइस तो ये है फर्स्ट इम्प्रेशन फर्स्ट लुक इस तियानमेन माउंटेन के ऊपर का जो केबल कार स्टेशन है ना वहाँ का. ये लिटरली पानी पूरा फ्रीज हो चुका है, लेक पूरा बन चुका है और ये नज़ारा देखिए मतलब पूरा चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ ढका हुआ है. तो ये था वो केबल कार स्टेशन जहाँ पे मैं एक्चुअली आया हुआ हूँ. और भाई सबसे पहले तो मैंने अपने आप को पूरा फुल पैक किया हुआ है तो जूते में ये मैंने नीचे से ही परचेज कर लिया था. तो यहाँ पे भी एक्चुअली ना ये सारे चीज़ें मिल रही हैं अगर आपके पास नहीं है, जैकेट स्वेटर ग्लव्स ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी अगर आपको रेंट करना है तो. यहाँ पे काफ़ी लोग ले रहे हैं तो मैंने भी भाई देखिए ग्लव्स व्लव्स निकाल लिया. छाता तो मैं साथ में लेके आया था बट दिक्कत ये हो रही है यार रिकॉर्ड करने के लिए बार बार ये ग्लव्स निकालना पड़ रहा है. तो चलिए फटाफट नीचे चलते हैं पहले. सो ये नीचे का एरिया है और यहाँ पे एक्चुअली टॉयलेट वगैरह है जिसको एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकता है तो एक बार हम भी इसको एक्सेस कर ही लेते हैं. भाई भाप निकल रहा है पूरा मुंह से, बोल नहीं पा रहा हूँ, फ्रीज हो जा रहा है यार यहाँ पे सब कुछ. वाह गाइस क्या नज़ारा है यार, आप देख सकते हो. ओ माई गॉड पूरा फ्रीज बर्फ चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये सब कुछ ऐसा होकर रखा हुआ है. आई थिंक ज़्यादा देर तक अगर मैं बोलूँगा मेरे ग्लव्स हाथ ठंडे पड़ रहे हैं यार. ओ माय गाइस हाथ पूरा सुन्न पड़ रहा है, ज़्यादा देर तक मैं ऐसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा ऐसा लग रहा है. ब्रदर निहाओ 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 कवर कवर. ओ नो फुल फुल किस. नी शी नानी यू टाइट 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 ऑन मी. हां टू टू ओ कवर 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 कवर. ओ माय गॉड गाइस कवर. या 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 गुड गुड गुड. ओके 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 सी 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 सो गाइस फाइनली वेलकम टू तियानमेन या तियानमेन माउंटेन. और ये है उस केबल कार का जो सबसे आखिरी छोर ना जहाँ पे मैं एक्चुअली आया हुआ हूँ. तो ये कुछ ऐसा है नज़ारा और ये सारे एक्चुअली ग्रुप टूर्स वाले जो है ना तो इस तरह से ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करते रहते हैं. और ये देखो यार वाव गाइस क्या एक्सपीरियंस है ये देख लो ये वाव मजा आ गया यार. ओ माय गॉड सो टूर गाइड मैप है कहाँ से आप कहाँ तक जा सकते हैं ये देख रहे हो. सो ये है कुछ नज़ारा गाइस यहाँ पे. ये लास्ट में यहाँ पे आके रुकती है, अब यहाँ से एक्चुअली पूरा जो सर्किट है ना वो स्टार्ट होता है. हेलो हाय निहाओ. ये मैडम लगी पड़ी हैं कहाँ पे, इनका आई थिंक लाइव चल रहा है क्या, वो लाइव है अभी. तियानमेन माउंटेन एस्केलेटर है. अच्छा यहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है, आई थिंक एस्केलेटर यूज होगा कि नहीं होगा, हम जा सकते कि नहीं जा सकते मैं पूछता हूँ. और इस तरफ क्या है, अच्छा ये सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. अब ये इधर मैं कहाँ जा सकता हूँ ये समझ नहीं आ रहा. आई थिंक इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया होगा. तो अभी हम हैं ईस्ट लाइन पे, जैस्पर टेरेस इन द ग्रीन फील्ड कुछ ऐसा लिखा हुआ है. और लोग यहाँ पे इस तरह से देखिए फोटो वीडियो ये सारी चीज़ें लेने में लगे हुए हैं. और नज़ारा देखो यहाँ पे, ओ माय गॉड गाइस क्रेजी एक्सपीरियंस. प्लीज अटेंड टू योर चिल्ड्रेन. हो 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 वाकई अब समझ आ रहा गाइस इसको हेवन माउंटेन ऑफ चाइना क्यों बोला जाता है. तो लिटरली आप जब यहाँ पे आएंगे ना ये आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका होगा, जब इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो पूरा ये लिटरली स्नोफॉल जो पड़ा हुआ है
ये सारा कुछ आप देख सकते हो। बट ज्यादा देर तक आई थिंक मैं यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ, रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरी सांस फूल रही है, पूरा भाप मुंह से निकल रहा है, और दस्ताने की वजह से मैं इसको रोटेट भी नहीं कर पा रहा हूँ यार, क्लिक नहीं हो पा रहा कैमरे में। बट आई थिंक हमें आगे चलना चाहिए और देखते हैं ये सर्किट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। क्या एक्सपीरियंस है, मजा आ गया यार। आई थिंक ये आने का है गाइस, जाने का ऊपर से है। ओके, मुझे उधर से जाना चाहिए। ये बच्ची खेल रही है, देख रहो बर्फ उड़ा रही है। तो हेलो निहाओ, ये सारे लाइव हैं, यहाँ पे लाइव चल रहा है। वाह, अरे भाई तो ये ओके ओके सी 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 ओ माई गॉड, कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत दिख रहे हैं ना, कितने क्यूट क्यूट हैं। ओके नहीं, वॉक वॉक, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। अरे यार गाइस, एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक ये हाई करके जाना है, कहाँ जाना है। चलिए मैं लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। एक तो इतना ज्यादा भाई ग्लव्स निकालने पे ना हालत खराब हो जा रही है यहाँ पे। सांस फूल रही है यार, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ। ये वाला हाथ मेरा सुन्न पड़ गया, काम नहीं कर रहा अभी। और आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जो नज़ारा, ये सारे लोग आई थिंक मुझे ज्वाइन करके आ रहे हैं, तो इन लोगों को मैं पकड़ लिया। और ऊपर पूरी बर्फबारी पड़ रही है, देख रहे हो, ये देखो। ओह माय गॉड, वाह, सब कोई मिक्की माउस बना है, कोई स्पाइडरमैन बना है, कोई पांडा बना है, सब कोई अलग अलग गेटअप में है यहाँ पर। ओह हाय ब्रो, हाय ब्रो, हाउ आर यू, हाय हाय, ओह हाय 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 हाय, गुड। आप लोगों में से गाइस कमेंट करके बताइए, इस तरह का एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर आप लोगों में से किसने कहाँ कहाँ पे किया। यस यस, गुड गुड। अरे भाई ये बंदियों ने तो आप देखो बर्फ से खेल रही हैं यार, ओह माय गॉड, वाह, मजा आ रहा है भाई। सब एक अलग लेवल के एक्सपीरियंस में डूबे हुए हैं, हर कोई बंदा एंजॉय कर रहा है। बट लिटरली बताऊं ना, हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा ये जो हाथ है वो सुन्न पड़ गया। मेरी लाइफ का ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है गाइस, जहाँ पे बर्फ पड़ रहा है और हम इस तरह से पूरा वॉक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। वाह वाह, ब्रदर ब्रदर होल्ड माय कैमरा, जस्ट होल्ड, कम कम, very good, very good. Oh my god. Nice, nice. मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। Which one? You didn't take? No, this? Yes. Upper station of cable, no? Tian Mountain cable, yeah, this way. Bro, gate, this? This? No, where is the gate? Heaven gate, yeah. This go? Yeah, no. Yeah, gate. Yeah, this go?
他说是天门山山洞吧 ？Yeah, yeah, yeah. This. Oh, see, 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 see. Go, 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 go. Okay, okay. Right. Okay, see, see. अरे यार, guys, ये slippery है यार. Oh my God, पैर बचा बचा के चलना पड़ रहा है यार. अच्छा हुआ, guys, मैंने वो ले लिया लोहे वाला. वरना तो यहाँ पे आज कयामत ढहने वाली थी. Wow. निहा निहा ओ ब्रदर ओ माय गॉड हाँ वाह हेलो हेलो हाय निहा निहा हाउ आर यू हाउ आर यू ओ गुड 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 फाइन फाइन गिव यू माय स्नोपोर ओ माय गॉड ये देखो ये बंदी ने भाई क्या ए तो यार ये अर्ली सनराइज और लेट सनसेट की वजह से इस तियानमेन माउंटेन को गाइज ना द एंडलेस स्काई विदाउट डार्कनेस ऐसा करके इसको बोला जाता है. वो वाकई आप जब यहाँ पे आएंगे ना यहाँ का जो लैंडस्केप है उसको जब विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नो डाउट यार आई थिंक पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा है. महंगा है वैसे ये बट यार वर्थ इट है. मतलब इतना पैसा देने के बाद अगर आपको इस तरह से एक्सपीरियंस देखने को मिलता है स्पेशली ये जो टाइम है स्नो टाइम तो आई थिंक आपको मैं जरूर रिकमेंड करूँगा. पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा यार कैसा एक्सपीरियंस होगा. एक बार डर लग रहा था कि शायद इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है मैं कैसे सस्टेन करूँगा यहाँ पे. बट यार जो एक्सपीरियंस है ना आई थिंक जब आप यहाँ पे आएंगे जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो आपको अलग ही लेवल पे लेके जाएगी. अब ये सारे मेरे पांडा लोग हैं ये सारे यहाँ पे फोटो वीडियो पे लगे हुए हैं. You need your photo? Yes. Okay, $100, okay? Okay, okay, give me, give me. Thank you. ये है अभी निचला हिस्सा. अच्छा मुझे समझ में आया. एक्चुअली दो रास्ते हैं, एक इधर से आने का और एक इधर से जाने का. बट दोनों में से कोई भी एक रास्ता आप इसको यूज कर सकते हैं. देखिए हर जगह मेंशन है अपर स्टेशन ऑफ केबल वे. आपको कहाँ जाना है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन है. खैर यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है. और ये नज़ारा देखिए गाइस क्या लैंडस्केप व्यू है. जैसे ही यहाँ पे ऊपर आओगे आप ना जो टेम्परेचर है नीचे से ऑलमोस्ट आई थिंक 10x 20x गुना बढ़ जाएगा गाइस. ये पूरा पत्थर है और उस पत्थर को इन्होंने क्राफ्ट करके एक छोटी सी सोवेनियर की शॉप बनाई हुई है. सोवेनियर क्या खाने पीने की दुकान है. पूरा पत्थर है और ऐसा इन्होंने इसको केव गुफा जैसा कन्वर्ट कर दिया हुआ है. और ये आई थिंक चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है अगर आप पढ़ सकते हैं. बाकी कुछ ऐसा है लैंडस्केप. अगर अच्छा कुछ खाना पीना है तो यहाँ से आप पानी की बॉटल और आई थिंक जूस वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा. सॉसेज वगैरह नॉन वेज अगर आपको खाते हैं. निहाओ हेलो हेलो हाउ आर यू हो थैंक यू सो मच ओके. और ये सारे लोग भाई खरीदने खाने पीने के लिए लगे हुए हैं. वाह और क्राउड देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है. अच्छा अभी थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे ना उतनी ठंडी फील नहीं हो रही जितनी अभी ऊपर आते वक्त फील हो रही थी. थोड़ा सा आगे चलते और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है. अच्छा बोनसाई स्टोन जोन एंड ट्रिबलेट वाटर ऑफ तियानमेन और स्केलेटर ये सारा चीज़ यहाँ पे है आई थिंक. ओह वाह रेस्ट एरिया. अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे रेस्ट एरिया बनाया हुआ है. अगर आप थक गए हैं तो आप यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं. पूरा ये सब कुछ लकड़ी का बनाया गया है यार गाइस. और फिलहाल अभी तो इन सब में भी पूरा बर्फ जमा हुआ है. और ये देखिए यहाँ के डस्टबिन ऐसा लग रहा है ना घोंसला टाइप का बना हुआ है. वाह कितना खूबसूरत एरिया है यार गाइस मज़ा आ गया. आई थिंक अभी तक का मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा. ओ अच्छा अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग गेट है यहाँ पे. इन्होंने उन सब गेट्स को बंद कर दिया हुआ है. जैसे ये देखिए क्या व्यू है. ओ ओ माय गॉड गाइस ये नज़ारा आप देखिए इस वक्त कैसा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ की सिल्लियों के अंदर घूम रहा हूँ. पूरा चादर है और नीचे से ठंडी ठंडी हवा रही तो जैसे जैसे हम किनारे पे आ रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है. ओ और ये पूरा अभी स्नो मेरे मुंह के पास सर के पास ये आ रहा है यार चारों तरफ. हर कोई बंदा छोटे छोटे बच्चे
ये देखिए इस तरह से बर्फ में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये छोटी सी क्यूट सी, कितनी क्यूट सी लग रही, प्यारी सी ना ये। अच्छा इधर भी नो एंट्री इन्होंने कर दिया हुआ है, यहाँ से बंद करके रखा हुआ है। कैमरे हर जगह लगे हुए हैं आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। आई थिंक यहाँ पे भी एक फोटो वीडियो रील तो बना ही सकते हैं। सो एक्चुअली जो सबसे मेन लोकेशन है अभी वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया हूँ गाइस। ये है वो पॉइंट, देखिए एस्केलेटर थ्रू द माउंटेन। तो ये माउंटेन के थ्रू ये एस्केलेटर हमें लेना है, जिसके लिए हमें आई थिंक इधर से जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और इसमें लिखा भी हुआ, आफ्टर रिस्टिंग ऑल द सीनिक पॉइंट्स स्पॉट्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन यू कैन गो डाउन टू द टियानमेन केव। विजिटर्स हु हैव नॉट विजिटेड द पीक साइट शुड नॉट टेक द एस्केलेटर डाउन। तो आई थिंक पहले मुझे वो केव के लिए जाना है, तो आगे चलते हैं देखते हैं क्या है यार। सारा कुछ पहाड़ को काट काट के इन लोगों ने इस पे डिजाइन किया हुआ है। कितनी मेहनत लगी होगी इन सब प्लेसेस को पूरा बनाने में यार, मतलब इतने टॉप लेवल पे आके काम करना ही अपने आप में काफी बड़ा अजूबा है। तो आई थिंक यहाँ से हम सबको नीचे जाना है गाइस। एंट्री है किधर से? अब एस्केलेटर में जाने के लिए ये सूज वाला ना जो गाइस है, ये अपने को निकालना पड़ेगा। ये तो यार आप सोचो, चाइना ने ऊपर माउंटेन में भी एलिवेटर लगा के रखा हुआ है, मानना पड़ेगा यार। और ये सारे अलग अलग इस लैंडस्केप है, ये देखिए एलिवेटर पूरा ये नीचे तक जा रहा है, और इस तरह से ये ऊपर से भी आपको लोग ऐसे दिख रहे होंगे। तो मतलब इतने ऊपर माउंटेन पे इस तरह से डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंगली और शॉकिंग अनबिलीवेबल है। एक एलिवेटर लिया, आप दूसरा एलिवेटर लेना, कंटिन्यू एलिवेटर पे एलिवेटर हम लोग ले रहे हैं भाई। वाह अब ये भी कितना डाउन है। ओह अच्छा, तो ये पूरा एक्चुअली नीचे माउंटेन तक जो इनका केव है ना, वहाँ तक के लिए पूरा एलिवेटर बनाया गया है। तो इसी एलिवेटर से मुझे नीचे जाना है, और इसी एलिवेटर से वापस जो मेन इनका हेवन गेट है चाइना का, उसको दिखा के वापस जैसे ये लोग रिटर्न आ रहे हैं वापस भी आना है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस टियानमेन माउंटेन के सबसे टॉप पॉइंट पे, और ये है इसका ब्यूटीफुल नज़ारा, एक बार आप देख लीजिए। सो गाइस ये है हेवन माउंटेन और हेवन गेट ऑफ चाइना का फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक जो आप अभी देख रहे हैं। ये एक्चुअली मैं अभी काफ़ी टॉप पे आया हूं, और यहां पे जो ये पूरा माउंटेन पहाड़ है ये आप देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत। वाकई इस प्लेस पे आने के बाद लग रहा है ना कि वाकई आप किसी हेवन गेट पे पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ये एक्चुअली गाइस बनाया नहीं गया, ये नेचुरल वंडर है अपने आप में। जो इस तरह से इसका पूरा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप में से एक माना जाता है, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन में से एक माना जाता है। ये पूरा कास्ट है लाइम स्टोन की तरह, और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर पूरा बर्फ़ की सिल्ली हर जगह पड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से नदी बन चुका है, लेक बन चुका है। तो अभी एक्चुअली गाइस पड़ रहा है यहाँ पे स्नो चारों तरफ, तो जो सीढ़ी स्टेप्स चढ़ के 999 स्टेप्स हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। तो वो 999 स्टेप्स चढ़ के यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से फिर आपको ये एस्केलेटर के थ्रू, जिस एस्केलेटर को मैं अभी लेके आया हूँ ना, यहाँ से इसका एग्जिट है, जहाँ से आप घूम के इस माउंटेन के पिछले हिस्से से आप नीचे जा सकते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि जब से ये बर्फ पड़ना स्टार्ट हुआ है, इन्होंने जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है ना, वो रूट को बंद कर दिया हुआ, तो इस वजह से अभी सीढ़ियों पे आप चढ़ नहीं सकते। जो हाइकिंग होती थी 999 सीढ़ियों की इस टॉप पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो इन्होंने अभी एक्चुअली बंद करके रखा हुआ। बट वो जो हाइकिंग है, वो भी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाइकिंग में से एक माना जाता है, क्योंकि वो हाइकिंग करने के बाद एक्चुअली जो चाइना का हेवन गेट बोला जाता है ना, आप वहां पे पहुंच सकते हैं। और ये है उसका नज़ारा गाइस, काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये चारों तरफ इन्होंने आई थिंक डिजाइन, ये पिलर दिखे, ये जो पिलर बनाए हैं इन्होंने, इसको पूरा काटा है, पत्थरों को काट काट के इन पिलर को इन्होंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पे एक्चुअली थोड़े बहुत
क्योंकि बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर भी है गाइज ये, तो यहाँ पे लोग आके पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से ही आप देखिए लोगों ने बुद्धिज्म कल्चर की वर्शिप फिलॉसफी है उन सबको यहाँ पे लोग आके फॉलो करते हैं। और ये थे यहाँ के गार्ड पुलिस जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर आपको टिकट वगैरह एक साइड का आपने लिया हुआ, दूसरे साइड नीचे जाने का आपने परचेस नहीं किया है, तो यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। और ये वो रास्ता था गाइस जिसको यूज़ करके मैं अभी आया हूँ। अब आप सोचिए 18 नवंबर 2007 को गाइस एलियन रॉबर्ट फ्रेंच नाम का बंदा, जिसको स्पाइडर मैन के तौर पर भी लोग जानते हैं, उसने इस तियानमेन माउंटेन को जो नेचुरल रॉक है पूरा उसको क्लाइम किया बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो ये है वो हेवन गेट का लेडर यानी स्टेप्स सीढ़ियाँ। तो एक्चुअली वो जो निचला हिस्सा आपको दिख रहा है वो है यहाँ का इस हेवन गेट के नीचे का तियानमेन स्क्वायर, जहाँ से एक्चुअली हाइकिंग शुरुआत होती है। और ये टोटल 999 सीढ़ियाँ, 999 सीढ़ियों को हाइक करके आप पहुँचते हैं चाइना के इस हेवन गेट पे, जो कि एक्चुअली देखा जाए ना तो तियानमेन शान, इसका जो पूरा नाम है चाइनीज नाम तियानमेन शान, सो तियानमेन शान का मतलब चाइनीज में होता है हेवन गेट, जिसकी वजह से इसका नाम हेवन गेट पड़ा हुआ है। सारा पूरा शहर जान दिया जी, ये तो काफी निचला हिस्सा है, शहर तो काफी दूर है थोड़ा सा, बट ये आप व्यू देखो, चींटियों की तरह लोग नीचे दिख रहे हैं ना, बट अगर हाइकिंग करने को मिलता तो और ज्यादा मजा आता, बट क्योंकि इतना बर्फ पड़ा हुआ है सीढ़ियों पे आप देखिए लोग फिसल के गिर जाएंगे, इस वजह से इन्होंने इसको बंद करके रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी सिर्फ इन स्केलेट, ओ माय गॉड, तो इस स्केलेटर के थ्रू आप सिर्फ यहाँ पे आ सकते हैं, और आने के बाद यहाँ से नीचे जाके आप नीचे वाले डेस्क पे जो इनका स्क्वायर वाला एरिया ना वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, लेट हो रहा है यार, ऑलरेडी सब लोग नीचे जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूँ, तो फटाफट शायद मुझे भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। ये देखिए, स्टेप्स आर डेंजरस, वॉक स्लोली, सब प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, हर जगह देखिए कैमरा लाइट ये सब कुछ इंस्टॉल करके रखा है, बट यहाँ से जो नज़ारा है ना ऊपर देखिए, फॉग, चारों तरफ फॉग है यार, पूरा कोहरा है, ऐसा इधर भी फोरा कोहरा है चारों तरफ, ऐसा लिटरली लग रहा है ना गाइस कि आप अभी हेवन में आ चुके हो। बट आई थिंक लाइफ में वन टाइम यहाँ पे तो आना बनता है गाइस, पहले मुझे लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट वाकई अब आने के बाद लग रहा है कि वर्थ है, डेफिनेटली वर्थ है, आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा।